अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि इस कास्ट कश्मीर पीसीबी कैंडिडेट्स का पहला राउंड काउंसलिंग का कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे बात आ जाती है आपके दूसरे राउंड काउंसलिंग की। तो दूसरा राउंड काउंसलिंग आपका होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर पीसीबी कैंडिडेट्स के सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दूसरा राउंड काउंसलिंग का होगा या नहीं होगा। देखिए, आपका दूसरा राउंड काउंसलिंग का होगा और वो डेफिनेटली आपका दूसरा राउंड काउंसलिंग का होगा। और दूसरा राउंड काउंसलिंग का जो होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा। जैसे पहला राउंड काउंसलिंग का ऑनलाइन रहा, वैसे दूसरा राउंड भी काउंसलिंग का ऑनलाइन होगा। तो इसमें जहां तक हमारा मानना है, लगभग जिन कैंडिडेट्स के 40 या 40 के अबव पॉइंट्स हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को दूसरा राउंड काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। बाकी अगर ज़्यादा सीट्स बची तो मे बी 40 से भी बिलो डिक्रीज जा सकता है कट ऑफ। बाकी जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 सालों का, हम भी देख रहे हैं, तो लगभग 40 या 40 के अबव पॉइंट्स वाले कैंडिडेट्स को ही दूसरे राउंड में यहां पे बुलाया जाएगा। बाकी अगर सीट ज़्यादा रही तो उसमें उससे क्या होगा कि कट ऑफ थोड़ा और भी डिक्रीज जा सके, लेकिन फिलहाल आप मान के चलिए दूसरे राउंड का जो कट ऑफ जाएगा वो आपका 40 तक यहां पे जाने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि दूसरा राउंड तो आपका क्लियर हो गया, हाँ हो ही जाएगा वो। अब अगर हो रहा है तो कब तक यहाँ पे आपका दूसरा राउंड काउंसलिंग का होगा, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, अभी जो हमारा पहला राउंड काउंसलिंग का है वो यहाँ पे अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक तो उनको बस अलॉटमेंट हुई है, उसके बाद उन्होंने सीट बुकिंग की 10,000 फ़ी पे करी है। तो उसके बाद अभी उनकी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सीट वगैरह कैंसिल हो जाएगा या कुछ भी होगा। तो जब अगर स्टूडेंट फ़ी अपनी पे नहीं करेंगे, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेंगे, तो उनकी जो सीट होगी वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो उसके हवाले से जो कल नोटिफिकेशन आ जाएगी, कल 8 तारीख है, और कल 8 तारीख को जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी पहले राउंड काउंसलिंग की, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज में जो फी आपको सबमिट करनी है उसकी गाइडलाइंस और उसकी डेट्स आ जाएंगी। तो उसके बाद आप मान के चलिए लगभग 4 से 5 दिन तक ये प्रोसेस चलता रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी का, उसके बाद आपका जो है दूसरा राउंड यहाँ पे आ जाएगा। आप मान के चलिए नेक्स्ट वीक जो हमारा होने वाला है उसके एंड तक आपके दूसरे राउंड की नोटिफिकेशन यहाँ पे आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो 15 तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी पहला राउंड हमारा जो है वो कल उसकी नोटिफिकेशन जाएगी, और मे बी परसों या मंडे से आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी और उसके बाद फी सबमिशन की प्रोसेस चलेगी। वो जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि कितनी सीट्स यहां पे बची हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके दूसरे राउंड में जो वो कट ऑफ वगैरह डिसाइड किया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर जो है वो काउंसलिंग दूसरे राउंड में यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स ने पहला राउंड मिस हो गया वो सभी कैंडिडेट दूसरे राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट वहाँ से होगा वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए जो कन्फर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।